नमस्ते फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बथुआ का पराठा बनाऊंगी और उसकी रेसिपी आप सबको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं कढ़ाई गरम करके कर दी हूँ और मैं बथुआ का पराठा बनाने के लिए अब मैं पहले इसमें लहसुन डालूंगी। ठीक है, लहसुन थोड़ा सा चटक जाएगा तब मैं इसमें मिर्चा डाल रही हूँ। मैं 2 हरी मिर्च काट के इसमें डाल रही हूँ। आइए, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, अब मैं इसमें बथुआ खूब अच्छा से धुल उल के रखी हूँ साफ करके। इसको बस खाली पत्ता पत्ता की हूँ, देखिए खाली पत्ता पत्ता है। अब मैं इसी में इसको डालूंगी, काटी नहीं हुई इसमें डाल रही हूँ। बस मैं इसको कम से कम 5 मिनट बस धीमी आंच पे बस इसको मैं करूँगी फ्राई। अब मैं इसमें बथुआ में नमक भी डाल रही हूँ। देखिए, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा नमक, मैं अपने स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। बस मैं 5 मिनट के बाद फिर इसको मैं बंद कर दूँगी। मैं गैस बंद कर दी हूँ। अब मैं इसको ठंडा करके इसमें जार में डाल के पीस दूँगी। मैं 2 कप आटा ली हूँ, बड़ा सा कप से, और मैं इस आटे में ये भुना हुआ जीरा का पाउडर है। जीरा खड़ा नहीं डाली हूँ ना, बच्चे नहीं खाते हैं इसलिए। दो छोटे चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ। नमक नहीं डाल रही हूँ, नमक मैं उस बथुआ में डाली हूँ ना इसलिए। और सब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और मैं ये जो बथुआ पीस के रखी हूँ ना, इससे मैं वो करूँगी, सानूंगी आटा खूब अच्छी तरह से, इसको मिलाऊँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के वो करूँगी। देखिए, इसको खूब अच्छी तरह से मिला के तब गूथना है इसको। देखिए मेरा आटा कितना अच्छा गूथ गया है, ऐसे ही मुलायम गूथना है। अब मैं इसमें थोड़ी सी 2 चम्मच रिफाइंड लगा के 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। देखिए मेरा बथुआ वाला आटा 10 मिनट हो गया। मैं अभी इसको पराठा बना रही हूँ और दिखा रही हूँ कि कैसे बनेगा। देखिए मैं इतना बड़ा बड़ा बना रही हूँ, आपको जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बनाएं, लेकिन मैं इतना बड़ा बड़ा बना रही हूँ। अब मैं सूखा आटा लगाऊँगी इसमें थोड़ा सा ऐसे करके, अब इसको मैं बेल रही हूँ। बेलन से ऐसे तो गोल भी बेल सकते हैं, गोल, लेकिन मैं नहीं बना रही हूँ गोल, वो नहीं होता, फूलता नहीं है। देखिए इसमें थोड़ा सा ऐसे करके, इसमें जो भी आप ऑयल लगाएं उसको थोड़ा सा ऐसे लगा के आप अपने शेप से बना सकते हैं, जैसा बनाना चाहें। अब इसमें आटा नहीं भी लगाएंगे तो बन जाएगा आराम से। बथुआ में थोड़ा सा सरसों के तेल डाली थी ना मैं, अब मेरा तवा गर्म हो गया है, मैं तवा पर डाल रही हूँ। देखिए मेरा पराठा खूब अच्छा हो गया, मैं निकाल रही हूँ इसको। अब मैं इसको पलट दी हूँ, अब मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ। देखिए आप जो भी लगाना चाहें, ऑयल लगाएं, रिफाइंड लगाएं, घी लगाएं, तेल लगाएं, जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। देखिए धीमी आंच पे ही बनाना है। देखिए फूल रहा है, से गोल वाला एक बार गोल वाला भी बना के दिखाते हैं, गोल वाला उतना नहीं फूलता है, ये फूल रहा है। देखिए कितना अच्छा फूल रहा है।
कितना, देखिए मेरा बथुआ का पराठा बनके तैयार हो गया है। मैं टमाटर की चटनी के साथ बनाई हूँ, आप भी बनाइए और खाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।